आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। लखनऊ मुठभेड़ में आए आतंकी सैफुल्ला ढेर, भोपाल उज्जैन ट्रेन हादसे से जुड़े थे तार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करीब 12 घंटे चली मुठभेड़ के बाद राज्य पुलिस की आतंकवादी निरोधी दस्ते ने कुख्यात आतंकी संगठन ISIS के संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया। मारा गया आतंकी मध्य प्रदेश में मंगलवार को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए विस्फोट मामले का आरोपी है। ATS के महानिरीक्षक असीम अरूम ने बताया कि सैफुल्ला को जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए मिर्ची बम और आंसू गैस के गोले दागे गए। उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वह पुलिस पर फायरिंग करता रहा। मजबूरन ATS को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और उसे मार गिराया गया। इससे पहले रात करीब 10 बजे पुलिस अधिकारियों ने उसे मार दिए जाने का दावा किया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कहा गया कि अभी मुठभेड़ जारी है और मकान के अंदर एक नहीं दो आतंकी छुपे हैं। मुठभेड़ मंगलवार दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी, जो आज तड़के करीब 3 बजे ही समाप्त हुई। अरुण ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने सूचना मिलते ही ATS के ठाकुरगंज इलाके के हाजी कॉलोनी के उस मकान को घेर लिया जिसमें आतंकी छिपा था। उसके पास कई रिवॉल्वर और विस्फोटक पदार्थ बरामद होने का दावा किया गया है। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिससे लगता है कि वह पूरी योजना बनाकर यहाँ आया था। मुठभेड़ की वजह से पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत 7 जिलों की 40 विधानसभा सीट पर चल रहे चुनाव के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है। इस बीच कानपुर से 2 और इटावा से 1 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। ATS उनसे पूछताछ कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी ने ठाकुरगंज क्षेत्र में आतंकी मुठभेड़ के बाद दुबुंगा के चौकी प्रभारी रामशेष उपाध्याय को ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। चौकी प्रभारी पर आरोप है कि क्षेत्र में रहने वाले किरायेदारों का उसने सत्यापन नहीं कराया। आतंकी सैफुल काफी समय से छुपकर किराए के मकान में रह रहा था। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला दिवस पर मोदी ने किया नारी शक्ति को सलाम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पाक में अशांति के लिए भारत जिम्मेदार नहीं। SBI ने अपने कर्मचारियों को दी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। थार से चीन को कोई खतरा नहीं, कहा अमेरिका ने। महाराष्ट्र में साफले के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, यातायात प्रभावित।